अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। क्लास 8 के मैथमेटिक्स के लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 के बारे में। यूनिट 3 है हमारा रिलेटेड नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम्स क्या है, इसमें हम करेंगे इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है, एनी नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ 10 डिजिट्स। 10 डिजिट्स अब कौन से हमारे पास, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। ये हमारे पास होते हैं नंबर सिस्टम्स और इन नंबर्स को हम कहते हैं नोमिरल्स। तो इन नोमिरल्स को कहा जाता है अरेबिक नोमिरल्स। तो यहाँ पे आज जो हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम्स बेस 2 विद बेस 5 एंड विद बेस 8, उसमें हमने इन्हीं नोमिरल्स के बारे में बात करनी है, नंबर सिस्टम्स के बारे में कि इनमें से कौन से डिजिट्स इन्वॉल्व होंगे हमारे पास बेस सिस्टम में। तो बेस सिस्टम हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन्वॉल्व इन अ नंबर सिस्टम इज कॉल्ड द बेस ऑफ दैट नंबर सिस्टम। तो जो हमारे पास डिजिट इन्वॉल्व होंगे उसको हम कहेंगे कि ये उस बेस का सिस्टम का नंबर सिस्टम है। तो जैसे कि हमारे पास है नंबर सिस्टम विद बेस 2, नंबर सिस्टम विद बेस 2। इसके अलावा इसका दूसरा नाम है बाइनरी सिस्टम। हमारे पास हैं यहाँ से यहाँ पे 0 से 9 तक नंबर सिस्टम जो हमारे पास नॉमिनल्स हैं, यानी 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स हमारे पास नंबर सिस्टम्स में इंक्लूड होंगे। लेकिन जब बात की जाएगी नंबर सिस्टम विद बेस 2 की, या जिसका जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं बाइनरी सिस्टम, तो इसमें हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट्स इसमें इंक्लूड होंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो 2 डिजिट्स हैं वो इसमें हमारे पास इंक्लूड होंगे। फर्स्ट डिजिट कौन से बनते हैं, 0 और 1। 0 और 1 इज़ द नंबर सिस्टम विद बेस 2। तो यहाँ पे अगर हमें क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन में भी जब हमें स्टेटमेंट गिवन होगी तो उसमें हमारे पास 0 और 1 ही ये 2 डिजिट्स होंगे जो हमारे बेस 2 के क्वेश्चन में मौजूद होंगे। और इनको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या डेसिमल फॉर्म से इनको हम नंबर सिस्टम्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे हमने 2 कन्वर्जन मेथड यहाँ पे पढ़ने हैं। तो उसके अलावा हमारे पास है नंबर सिस्टम विद बेस 5, नंबर सिस्टम विद बेस 5। तो अब बेस 5 में कौन से डिजिट्स हमारे पास इंक्लूड होंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट 5 डिजिट्स होंगे वो हमारे होंगे नंबर सिस्टम विद बेस 5। जो सेकंड, इसको आप अपने माइंड में रखने का ये मेथड है कि आप ये देखें अगर आपके पास बेस 2 है तो 2 से लेस जो 2 डिजिट्स होंगे आपके पास वो आपके सिस्टम में इंक्लूड होंगे। अगर हम बात कर रहे हैं बेस 5 की, तो 5 से लेस जो हमारे पास 5 डिजिट्स होंगे, यानी 0 से 4 तक, ये जो हमारे पास 5 डिजिट बन रहे हैं ये हमारे नंबर सिस्टम्स में इंक्लूड होंगे। तो 0, 1, 2, 3 एंड 4 ये वो 5 डिजिट्स हैं जो हमारे बेस सिस्टम में इंक्लूड होंगे। तो हमारे पास स्टेटमेंट जो क्वेश्चन की दी जाएगी या जो हम आंसर निकालेंगे उसमें भी इनको प्लस माइनस करने से या मल्टीप्लाई करने से, जो भी हम यहाँ पे इनके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, उसमें यही हमारे पास डिजिट होना चाहिए जिसके जो आंसर हमारा बने। इसके बाद है हमारे पास नंबर सिस्टम विद बेस 8। बेस 8 को हम ऑक्टल सिस्टम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो नोमिनल्स हैं, यानी नंबर सिस्टम में जो फर्स्ट 10 डिजिट्स हैं, 10 डिजिट कहाँ से, 0 से 9 तक बनते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट 8 डिजिट्स होंगे वो हमारे पास होगा नंबर सिस्टम विद बेस 8, यानी ऑक्टल सिस्टम। बेस 8 को हम ऑक्टल सिस्टम के नेम से भी काटते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास 8 डिजिट कौन से बनते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सॉरी, 8 इसमें इंक्लूड नहीं है, 7 तक यहाँ पे ये होगा। तो ये हमारे पास 0 से 7 तक फर्स्ट 8 डिजिट्स बनते हैं जो हमारे पास नंबर सिस्टम विद बेस 8 बनाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज में है हमारे पास कन्वर्ट द फॉलोइंग टू डेसिमल सिस्टम। तो अगर हमें बेस सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना हो तो हम इसको
डिफरेंट मेथड से सॉल्व करते हैं, लेकिन जब बात आएगी डेसिमल में कन्वर्ट करने की, तो नंबर सिस्टम्स में हमें क्वेश्चन गिवन होगा तो हमने उसकी बेस को सॉल्व करते हुए उसको हमारे पास जो आम डिजिट्स होते हैं जैसे 11, 12, 13 वगैरह है, यानी नेचुरल नंबर्स, हम इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है, सबसे पहले तो हम एग्जाम्पल करेंगे। तो हमारे पास क्या है, कन्वर्जन विद बेस कन्वर्ट 11 विद बेस 2 इनटू डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल फॉर्म में इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है बेस 2। कुछ स्टूडेंट इसको पावर की फॉर्म में लिखते हैं, जब पावर लिखते हैं तो हमारे पास पावर ये बनेगा स्क्वायर की फॉर्म में, स्क्वायर और हमारे पास बेस ये दोनों डिफरेंट हैं। तो आप याद रखेंगे इसको ऊपर लिखने की सूरत में आपका क्वेश्चन टोटली गलत होगा, तो बेस को हमेशा हम राइट साइड पे नीचे की तरफ लिखते हैं। तो यहाँ पे इसको सोल्व करने का मेथड ये होगा कि आपके पास जितने भी डिजिट्स दिए जाएंगे इनको आप सबसे पहले एडिशन की फॉर्म में लिखेंगी, यानी इनके दरमियान आपने एडिशन का साइन यूज़ करना है। उसके बाद आप उसको जो हमारे पास बेस होगी, जैसे बेस अगर 2 है तो आप इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपके पास बेस 5 है तो आप इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगी, अगर आप इसके पे आपके पास यहाँ पे बेस 8 है तो आप इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हर डिजिट को हमने बेस नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा कि जो हमारे पास बेस का जो नंबर होगा, जैसे यहाँ पे बाइनरी नंबर है 2, तो हम इनके ऊपर पावर्स का इजाफा करेंगे। तो पावर हम जो है वो स्टार्ट करते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर स्टार्ट होते हैं इसमें नंबर सिस्टम्स में, वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे सबसे पहले पावर जो लिखेंगे वो 0 होगी, उसके बाद लिखेंगे 1। अगर हमारे पास स्टेटमेंट्स में क्वेश्चंस के डिजिट्स ज़्यादा हैं तो हम उसमें क्या है, इस मज़ीद इसमें पावर्स का इजाफा करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 2 डिजिट्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सिर्फ इसकी पावर आएगी 0 और 1। तो जिसकी पावर हमारे पास 1 होती है तो वो डिजिट एज इट इज़ हम उसको लिखते हैं, तो ये बनेगा 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस, यहाँ पे हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0, 1 तो ऐसे ही आएगा। लेकिन हमने 7 क्लास में चैप्टर नंबर 4 में पढ़े थे एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, उसमें किया था, प्रॉपर्टी थी हमारे पास एक्सपोनेंट की, अगर हमारे पास किसी डिजिट की या किसी भी एलिमेंट की पावर 0 आती है तो वो हमेशा इक्वल होगा 1 के। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऐसा डिजिट है जिसकी पावर 0 है, तो लेट कर लेते हैं ये हमारे पास क्या है, a है, तो a की पावर 0 होगी तो ये इक्वल होगा 1 के। तो यहाँ पे अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमने बोर्ड मैथ्स रूल पढ़ा हुआ है जिसमें हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम प्लस का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आएगा, इनको ऐड करने पे ये बनता है 3। तो ये इसका आंसर होगा। हमारे पास जो भी क्वेश्चंस होंगे डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करने के, सबसे पहले आप उसको एडिशन का साइन अप्लाई करेंगे, फिर आप उनको उनकी बेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद उसको पावर के फॉर्म में लिखने के बाद पावर सोल्व करते हुए उसको नेचुरल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज है हमारी 3.1। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कन्वर्ट फॉलोइंग टू डेसिमल सिस्टम। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 101 और इसकी बेस है 2। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। अब इसकी बेस हमारे पास 2 है तो इसका मतलब है कि मुझे बेस 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको कैसे लिखा जाएगा, 101 बेस 2 ये इक्वल होगा 1 प्लस 0 और यहाँ पे अगेन प्लस 1। आप इसको इकट्ठा भी प्रोसेस कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इकट्ठा प्रोसेस करके मैं दिखा दूंगी। यहाँ पे जस्ट आपको समझाने के लिए पहले मैं थोड़ा सेपरेट इसको लिख रही हूँ। अब यहाँ पे हमने इसके बेस के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, तो जितने भी हमारे पास डिजिट होंगे उनको उनके बेस के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड स्टेप हमने ये पढ़ा था कि थर्ड स्टेप में हमने बेस के ऊपर पावर लिखना शुरू करनी है। पावर हम 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास नंबर सिस्टम में नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 0 से, तो हम यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ 0 से
इसकी पावर इसके ऊपर ऐड करना शुरू करेंगे। सबसे पहले 2 की पावर है 0, अब यहाँ पे 2 की पावर लिखेंगे 1, इसके बाद आएगा 2 की पावर 2। तो 101 बेस 2 ये इक्वल होगा हमारे पास 2 की पावर 2 है। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर के सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, जब किसी की पावर 2 होती है तो इसका मतलब है कि इसको हम 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई ये इक्वल होगा 4 के। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ, 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 है। तो जब 2 की पावर 1 हो गई तो जिसके भी हम एलिमेंट की या डिजिट की पावर 1 हो तो हम उसको एज इट इज़ लिखते हैं। उसके बाद है यहाँ पे 2 की पावर 0, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास किसी भी डिजिट की पावर 0 हो तो वो इक्वल होगा 1 के। तो यहाँ पे 2 की पावर 0 है तो ये इक्वल 1 के लिखा जाएगा। यहाँ पे अब हमारे पास ये बनेगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 0 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि 0 ऐसा डिजिट है जिसके साथ हम किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, दोनों सूरतों में हमारे पास आंसर 0 आएगा। तो अब यहाँ पे है हमारे पास 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, तो ये हमारे पास टोटल इनको प्लस करने से बनता है 5। तो इसके साथ ही हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास बेस 5। तो हमारे पास है क्वेश्चन 1 का पार्ट सेकंड है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2044 विद बेस 5। तो यहाँ पे इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेम वही मेथड जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ किया था, 2044 विद बेस 5 ये इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2044 ये हमारे पास डिजिट थे, इनको हमने हर एक को बेस के साथ मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पे हम इसको राइट से लेफ्ट की तरफ इसके ऊपर हम पावर का इजाफा करेंगे। सबसे पहले पावर आएगी 0, देन 1, फिर 2 और फिर आएगी हमारे पास 3। तो अब यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर हमारे पास अगर 3 है तो इसका मतलब है कि 5 की पावर 3 को हम 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 5 5 जार 25 एंड 25 5 जार 125, 125 के साथ आप 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे। 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 2 का मतलब है 5 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बनता है जस्ट 25। यहाँ पे आएगा 25 प्लस 4, 5 की पावर अगर 1 है तो ये 5 ही आएगा, यहाँ पे है 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर अगर 0 है तो 1। इसके साथ आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज रूल एक्सपोनेंट की शो करें, a की पावर 0 है इक्वल 1। तो यहाँ पे अब इसको हम मज़ीद सोल्व करेंगे, पावर को हमने सोल्व कर लिया है। पावर को सोल्व करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा मल्टीप्लाई करने का। तो यहाँ पे हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 250 प्लस 0 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि 0 हर डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होने पे 0 ही आंसर देगा हमें। यहाँ पे हमारे पास आएगा 4 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 20 एंड 4। अब यहाँ पे हमारे पास है नेक्स्ट स्टेप कि हम इनको ऐड करेंगे, इनको ऐड करने से ये हमारे पास बनता है 274। तो ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह मज़ीद एक क्वेश्चन हम करेंगे विद बेस 8। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट विद बेस 8। क्वेश्चन मेरे पास क्या है, 7016 विद बेस 8। इसको हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है,
तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 7016 बेस 8, ये इक्वल होगा 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई 8। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 4 डिजिट्स थे और हमने हर एक को 8 के साथ, बेस 8 के साथ मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप था हमारे पास कि हम इसके ऊपर पावर का इजाफा करेंगे। तो पावर को हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो यहाँ से हम पावर को रिमूव करेंगे इसको सोल्व करते हुए। तो 8 की पावर 3 है हमारे पास, तो 8 की पावर 3 का मतलब है कि मैं 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 8 8s are 64 and 8 64 8s are 512। तो यहाँ पे आएगा 7 multiply 512। उसके बाद यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2 है, 8 की पावर 2 का मतलब है कि 8 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 64। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 64। यहाँ पे 8 की पावर 1 है तो यहाँ पे 8 एज इट इज़ आएगा 6 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 8 की पावर 0 है तो हमने पढ़ा है किसी भी डिजिट की पावर 0 होगी तो उसको हम 1 लिखेंगे। यहाँ पे प्रॉपर्टी शो करें, a की पावर 0 इज इक्वल 1। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इनको हमने नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करना है। 7 को हम 512 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनता है 3584। जब हमने यहाँ पे 0 को 64 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 ही आएगा। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 8 आएगा। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आएगा। तो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में इनको प्लस करेंगे, तो इनको तीनों डिजिट्स को प्लस किया तो हमारे पास आंसर निकलता है 3598। तो यही हमारा आंसर है। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।